चले, जब हम इनइक्वालिटीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें नंबर्स को किस तरह से लेना है और क्या करना है। देखिए इनइक्वालिटीज में, इसका नाम क्यों इनइक्वालिटीज है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो मेजर साइंस यूज करते हैं, जो साइंस यूज होते हैं, सिर्फ इक्वल टू अकेला नहीं होता। यहां पे हमारे साइंस यूज होंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो दीज आर द साइन विच वी विल बी यूजिंग इन दिस। अब ये इक्वेलिटी से या इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट है। क्यों? देखिए हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, नंबर वन, कि हमारे पास प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस एंड प्लस का मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस प्लस, माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस प्लस, बट प्लस इंटू माइनस विल ऑलवेज गिव्स अस माइनस एंड माइनस इंटू प्लस विल ऑल्सो गिव अस माइनस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है, ठीक है। इट मीन्स कि टू इंटू माइनस थ्री विल बी लेस देन जीरो, माइनस फोर इंटू थ्री इज लेस देन जीरो, बट अगर हम लोग टू इंटू थ्री लिखें दिस इज ग्रेटर देन जीरो, या माइनस फोर इंटू माइनस थ्री लिखें दिस इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। नाउ ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो देन वी विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो हम क्या बात कर सकते हैं, हम यहां पे बात कर सकते हैं कि a इंटू बी इज ग्रेटर देन जीरो इफ a एंड b आर ऑफ सेम साइंस। And A into B is less than zero if A and B are of, हम सबको पता it is opposite sides. So this is number one thing. अब हमारे को ये पता है कि inequality में सबसे important बात, what is that important path? That important path is ki if A is greater than B, then minus 1 into A and minus 1 into B agar kar do, to inequality changes. It becomes like this, यानी हम कहेंगे कि minus a is less than minus b. Yes, ये एक बहुत important चीज है कि जब भी हम लोग किसी चीज को minus one के साथ multiply करेंगे inequality में, inequality changes. तो if terms are multiplied by one, if it is multiplied by one, it doesn't happen anything. But if it is multiplied by minus one, inequality get reverse. जब मैं गेट रिवर्स की बात कर रहा हूं तो ग्रेटर देन बिकम लेस देन एंड लेस देन बिकम
greater than. This is something very important that it get reverse. ठीक, greater than क्या बन जाता है? Greater than becomes less than, and less than becomes greater than. जी हाँ, तो ये आपने सबसे पहली बात जो है ये इसमें आपने ध्यान रखनी है. नंबर टू, अब हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास यहां पे जब भी हम बात करेंगे तो हम किस तरह से इसको हैंडल करते हैं. दिस इज रूल नंबर वन कि अगर हमारे पास इफ ए डिस्ट, अब यही बात एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कि सेवन इज ग्रेटर देन फोर, बट व्हाट अबाउट माइनस सेवन, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस सेवन इज लेस देन माइनस फोर, इजंट इट? यस इट इज. सिमिलरली अगर आप देखें इफ आई राइट माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, नंबर लाइन में छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, लेकिन अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा प्लस टू, तो प्लस टू इज लेस देन प्लस फाइव हो जाएगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमारे पास क्या होगा ये इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी. तो हमने यही कहा कि इनइक्वालिटीज गेट रिवर्स अगर हम इसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. नंबर टू, अगर मेरे पास एक नंबर है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर मेरे पास एक नंबर है ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या होगा, अगर मैं इसको माइनस वन से डिवाइड कर दूं दोनों नंबर्स को तो क्या होगा, ठीक है, अगर हम इसको माइनस वन से डिवाइड कर दें दोनों नंबर को तो क्या होने वाला है. तो आप देखिए कि दिस इंप्लाइज दैट दिस अगेन विल गेट रिवर्स. तो अब चाहे मैं इसको नेगेटिव नंबर के साथ क्या करूं मल्टीप्लाई करूं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूं, दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स. तो दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि अगेन अगर मैं इसको माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो भी ये रिवर्स हो जाएगा, और माइनस वन के साथ अगर डिवाइड करता हूं तो भी ये रिवर्स हो जाएगा. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी डिडक्शन है जो हमें हमेशा इसको लेके याद रखनी है और इसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे रेसिप्रोकल की. अब देखें अगर मैं बात करूं रेसिप्रोकल में तो इफ आई से कि इज केस वन, व्हाट इज केस वन, इफ टू इज ग्रेटर देन फाइव देन, नो सॉरी, if 2 is less than 5, if 2 is less than 5 then 1 upon 2 is greater than 1 upon 5. क्यों? Because देखो ना यहां पे हम लोगों ने क्या किया, हमने 1 को दो हिस्सों में बांटा, यहां 1 को पांच हिस्सों में बांटा, तो definitely 1 upon 2 will be greater than 1 upon 5, ठीक है, क्योंकि यहां पे in both of these cases हमारे पास हम लोगों ने सीखा कि यार 1 upon 2 is greater than 1 upon 5, तो हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि डिवीजन किस तरह से हो रहा है. इसी तरह से अगर हमारे पास ये गिवन है इस तरह से इफ माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 5, इजंट इट? इट इज, बिकॉज जब हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो जो स्मॉलर नंबर होते हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर होती है वो ग्रेटर हो जाते हैं एक्चुअल में. तो माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फाइव, बट
अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, दिस इंप्लाइज दैट 1/-3 will be less than 1/-5. जी हाँ, तो यहां पे ये इनइक्वालिटी फिर से उल्टी हो जाएगी अगर हम लोग रेसिप्रोकल में बात करेंगे. लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं, एक और केस देखते हैं. If I take it like this, if 7 is greater than -2, then what will happen? हम क्या करेंगे? जी, if 7 is greater than -2, so 1/7 will be greater than -1/2. हुआ कुछ अलग से? एग्जैक्टली हुआ. क्या हुआ? देखें, अब हम यहां पे देखें, जो ये इनइक्वालिटीज थी, जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो चेंज होगी, ग्रेटर देन चेंजेस टू लेस देन. यहां पर भी हमने देखा ग्रेटर देन चेंजेस टू लेस देन, बट इन दिस केस यहां पे ग्रेटर देन रिमेन्स ग्रेटर देन, ये चेंज नहीं हुआ. तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर, हमने देखा कि रेसिप्रोकल में अगर सेम साइन होगा, क्या होगा? अगर सेम साइन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये रेसिप्रोकल्स जो हैं वो इनकी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी. और अगर हमारे पास क्या होगा? यस, अगर ये ऑपोजिट साइन के होंगे, यानी अगर हम लोग यहां पे देखें, इधर से देखें, अगर हम इस रूल को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास हो रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन 1/A इज लेस देन 1/B. वाई? इफ ए बी इज ग्रेटर देन 0. एंड यहां पे सेकेंड बात की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/A इज ग्रेटर देन 1/B इफ ए बी इज लेस देन 0. मीन्स इन शॉर्ट, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने अब क्या देख लिया? यहां पे ए एंड बी आर ऑफ सेम साइंस, दे आर ऑफ सेम साइंस, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव होंगे. एंड इन सेकेंड केस हम लोगों ने क्या बात किया? सेकेंड केस में बोला इफ ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, तो अगर ये दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल. ठीक है, ये होगी हमारे पास यहां तक की बात, राइट. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने एक चीज सीखनी है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन. Representation of inequality on number line. यहां पे अगर हम देखें तो एक नंबर लाइन है, ये हम लोगों ने एक नंबर लाइन बात किया, हमने इसके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज ले ली, 1, 0, 2, 3, 4, इसे नीचे जाएंगे -1, -2, और -3, और ये जो नंबर लाइन है इट इज एक्सटेंडिंग टिल वेयर? इट इज एक्सटेंडिंग टिल -∞ टू
ये माइनस इंफिनिटी तक जा रही है और ये प्लस इंफिनिटी तक जा रही है. नाउ लर्न द थिंग्स वेरी वेरी इन अ वेरी सो अब अगर हमें यहां पे बोला जाता है कि हमें चाहिए x ग्रेटर देन 2, तो हम लोग किस पार्ट को लेके चलेंगे? x ग्रेटर देन 2 इज दिस, दिस इज 2 और x ग्रेटर देन 2 इज दिस. यानी 2 कहां तक? हमें जब लिमिट गिवन नहीं है तो इट इज गोइंग टिल इंफिनिटी. अगर हमें बोले x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 इज दिस, दिस इज 3 एंड लेस देन 3 इज हियर इट इज. तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज इनइक्वालिटीज. अब हम लोगों ने पहले क्या देखा? x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 3. बट हमारे पास यहाँ पे आपने एक और चीज नोट करनी है. यहाँ पे जब हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन दिया होगा, तो हम जिस पॉइंट को लेके चल रहे हैं वो पॉइंट के ऊपर हम एम्प्टी सर्कल बनाएंगे. जैसा आप ब्लू सर्कल देख रहे हैं और ये रेड सर्कल देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम हमेशा एम्प्टी सर्कल बना के चलेंगे. ये एम्प्टी सर्कल हमें बताता है कि हम लोग जो वैल्यूज ले रहे हैं, ये वैल्यूज में 2 इंक्लूडेड नहीं है, इन वैल्यूज में 3 इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लेते हैं, आई टेक इट एज x लेस देन इक्वल टू -1. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई टेक इट लाइक दिस, x लेस देन इक्वल टू -1. तो x लेस देन इक्वल टू -1 वी विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑन द सेम नंबर लाइन. तो हमने ये जो -1 वाला नंबर है इसको हमने फील्ड सर्कल से डिनोट करना है. एंड -1, तो ये हमारे पास हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर तो हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, तो वो वैल्यू इंक्लूड होगी जिसको हम फिल्ड अप सर्कल के साथ डिनोट करेंगे. और जब सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है, तो हम उसको एम्प्टी सर्कल के साथ डिनोट करेंगे. बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है. अगर हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना हो इंटरवेल वाइज, तो इंटरवेल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी? इन्हीं तीन की मैं अभी बात करूंगा. इंटरवेल रिप्रेजेंटेशन, हम साथ में इसको समझते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं. देखें, मैथ्स में चीजें बड़ी सिंप्लीफाइड है. हर एक चीज के लिए ना हर एक बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ये x ग्रेटर देन 2, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवेल. This is called open interval. मैं आता हूं अभी आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी. हमारे पास अगर ये दिया जाए x less than 3, so this will be represented as minus infinity to 3. In both of these cases, these both are open intervals. These both are ओपन इंटरवेल. एंड जैसे हम लोगों ने थर्ड वाला लिया था एक्स लेस देन इक्वल टू -1, यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे -∞ to -1, एंड इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज सेमी क्लोज्ड इंटरवेल. दिस इज कॉल्ड एज सेमी क्लोज्ड इंटरवेल. चलिए बात करते हैं दोबारा से. जब हमारे पास x ग्रेटर देन 2 लिया गया हम लोगों ने, तो 2 इंक्लूड नहीं करना है. जिस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना नंबर लाइन के ऊपर, उसके लिए हम एम्प्टी सर्कल यूज करते हैं, जैसा कि आप यहां पे देखते हैं. जब हमने बात की x
ग्रेटर देन लेस देन थ्री के लिए तो थ्री इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन है तो इक्वल टू नहीं है तो थ्री इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हम इसके लिए भी एम्प्टी सर्कल यूज करेंगे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, तो यहां पे वन इंक्लूड माइनस वन इंक्लूड होगा, और माइनस वन जब इंक्लूड होगा तो ये जो हमारा सर्कल है माइनस वन के ऊपर हमने बनाया, ये हमने फिल्ड सर्कल बनाया, सॉलिड सर्कल बनाया, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू इंक्लूड होगी नंबर लाइन के ऊपर वो सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, और जो वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हमें करनी है उसको हम एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट तो टू से हो रहा है, डेट मीन्स टू नहीं ले रहे हैं, बट वी कैन टेक 2.00001, वी कैन टेक 2.00000001, टू नहीं ले सकते, बाकी उसके क्लोजेस्ट कुछ भी ले सकते हैं। तो दिस एम्प्टी सर्कल शोज कि हम टू नहीं ले सकते, हम कुछ भी ले सकते हैं, और जिन वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया जाता इंटरवेल में हम उसको कर्व ब्रैकेट से लेके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कर्व ब्रैकेट है टू के साथ, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता, तो इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा कर्व ब्रैकेट रहेगी। यहां भी देखें थ्री वाली साइड पे भी कर्व ब्रैकेट है, और माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होता तो कर्व ब्रैकेट रहेगी। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जब हमने देखा कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक जा रही है बात, तो माइनस इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं होगा तो इसलिए कर्व ब्रैकेट, लेकिन जो चीज इंक्लूड होती है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम यहां पे कर रहे हैं। देन एक और बात, इसको हम सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि माइनस वन की तरफ ये क्लोज्ड है, माइनस वन की तरफ जब वैल्यू इंक्लूड होती है उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, और जिस तरफ पे वैल्यू इंक्लूड नहीं होती हम उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। नाउ इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर मेरे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से दी जाती कि माइनस थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फोर, अगर मेरे पास ये वैल्यू ऐसे दी जाती है, अब देखें यानी एक्स की वैल्यू माइनस थ्री और फोर के ऊपर लाई कर रही है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझे नंबर लाइन के हिसाब से, दिस इज माइनस थ्री एंड दिस इज माइनस फोर, एंड वी आर टेकिंग एवरी वैल्यू बिटवीन माइनस थ्री एंड माइनस फोर, वी आर टेकिंग एवरी वैल्यू बिटवीन माइनस थ्री एंड माइनस फोर। अब इसी सिचुएशन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है, माइनस थ्री भी इंक्लूडेड है, माइनस फोर भी, प्लस फोर भी इंक्लूडेड है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड वैल्यूज है, सो इट इज माइनस थ्री टू फोर। तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, नंबर वन ओपन इंटरवल, जब किस दोनों साइड्स ओपन होंगी यानी दोनों साइड दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे टू एंड इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड थ्री। फिर सेमी क्लोज पड़ा जिसमें एक साइड इंक्लूड होगी, जैसे यहाँ माइनस वन इंक्लूड हो रहा है बट माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो रहा, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज इंटरवेल लिया जब माइनस थ्री एंड फोर हम लोग लेके चल रहे हैं और दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों के तीन इंपॉर्टेंट इंटरवल्स हैं, और आपने देखा हमने हर जगह पे अलग अलग ब्रैकेट यूज किया। क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर एज ओपन इंटरवल को हम लोग कर्व ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अभी क्या है, हम लोगों के पास कभी भी कुछ भी गिवन है, जैसे 2x-1 is greater than 0, तो हमें इसको कभी भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसको खुद से 2x-1 को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं और x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x का वैल्यू इज 1/2, ठीक है, x का वैल्यू इज 1/2। जब हमें x का वैल्यू 1/2 हम लोग देख रहे हैं ना, तो नंबर लाइन के ऊपर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 1/2 को एक पैरामीटर मान के चलेंगे कि भाई 1/2 इज समथिंग
और इसके बाद ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है, अब ग्रेटर देन है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, जीरो की बात हो रही है यानी वन बाई टू इज एक्स इज ग्रेटर देन वन बाई टू हम लेके चलेंगे, तो वन बाई टू से बड़ी बात जो हो रही है वो यहां तक लेके जा रहे हैं, इसको हम इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं। और अगर यही बात हमारे पास ऐसे होती, अगर यही बात हमारे पास इस तरह से बोली जाती, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इसी सर्कल को फिल्ड कर देते, बस रेस्ट ऑफ द थिंग वुड हैव बीन सेम, तो इसमें कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। नाउ आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यूनियन पढ़ा है, यूनियन में इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 4 5, तो ए यूनियन बी हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लेते हैं 3 4। अभी यहां पर भी हम ये चीज यूज करेंगे, देखेंगे, देखें अगर मेरे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है x greater than 2 and x less than equal to 3। अगर ये मेरे पास दिया गया और हमें इसका यूनियन करने को बोला गया, तो अगर मेरे को ऐसे बोला जाता है कि x greater than 2 यूनियन x less than equal to 3 को रिप्रेजेंट करिए, सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज लाइक दिस, x greater than 2, तो greater than 2 is ये हमारे पास आ गया 0, 1, 2, 3, 4. x greater than 2 is this. Greater than sign है, तो empty circle and it is going till infinity. ठीक है? And second is, हमें बोलता है x less than equal to 3. तो जब x less than equal to 3 बोल रहा है, तो उस केस में हम क्या लेके चलेंगे, उस केस में ये फिल्ड अप सर्कल रहेगा एंड ये यहां से नीचे की तरफ चला जाएगा, और यूनियन है तो यूनियन है बेटा, तो यूनियन में ये सारा का सारा पोर्शन, बिकॉज यूनियन इंक्लूड्स एवरीथिंग, तो ये सारा का सारा पोर्शन हमारे लिए वैलिड पोर्शन होगा। कहां से कहां तक की बात हो रही है, इन नट शेरिफ से, तो ये बात हमारी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारी वैल्यू हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास यही ऐसे बोला जाता x greater than 2 इंटरसेक्शन x less than equal to 3, तो हम इसी नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते, हम इस नंबर लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते 0 1 2 3 एंड 4। यहां पे हम इसको क्या लेके चलते, जैसे हमने देखा 2 और उससे बड़ी बात, या फिर हम लिख लेते 3 और उससे लोअर। और जब हम लोग यहां पे बात करते तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन आता, एंड व्हाट इज दैट कॉमन पोर्शन हियर, दिस इज द कॉमन पोर्शन, दैट्स इट, सिर्फ इतना सा पार्ट आता। और इस वैल्यू को या इस रीजन को मैं रिप्रेजेंट करता या लिखता, आई वुड हैव बीन रिटन एज ओनली दिस। क्या लिखता मैं इसको, मैं इसको ऐसे लिखता, ये कैसे लिखा जाता, ये लिखा जाता 2 2 माइनस 3, तो ये इंटरवल लिखा जाता 2 2 माइनस 3। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो वैल्यूज है, ये 2 से लेके माइनस 3, सॉरी 2 2 प्लस 3, आई एम नॉट सॉरी, दिस इज प्लस 3 नॉट माइनस 3, दिस इज प्लस 3, तो 2 से लेके 3 तक की वैल्यू हो रही है।
लेकिन टू इंक्लूडेड नहीं है, थ्री इंक्लूडेड है, एंड इन दोनों के बीच में हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज वुड बी देयर? आपको क्या लगता है कि कितनी वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे, या कितनी वैल्यूज होंगी? हियर वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात जो है हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बात कर रहा है. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगेन एक और बात लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टेक इट एज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू लेट्स से 7, और इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहें. तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो अगेन अब हमारे पास ये पार्ट क्या रहेगा, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7. पहली बात ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है तो ये इंक्लूड होगा एंड इट विल गो टिल इंफिनिटी. फिर हमारे पास बोलता है कि लेस देन इक्वल टू 7 है तो 7 इंक्लूड होगा एंड दिस विल गो टिल माइनस इंफिनिटी, राइट? लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो वी विल बी ऑलवेज कंसिडरिंग द कॉमन पार्ट. सो दिस विल बी द इनइक्वालिटीज का जो रीजन है वो हमें इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये बात हम लोगों को समझ आ गई कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा. ठीक, अब कई बार क्या है हमारे पास ये थोड़ा सा और वो करता है, सिर्फ ये इंटरसेक्शन के बजाय समटाइम इट राइट्स ऐसे. कैसे लिखता है? ये बोलता है x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन 3. ये इस तरह से बात करता है. अब हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज हैं तो करेंगे हम वही, इसमें कुछ अलग नहीं होने वाला. जैसे अब हमारे पास यहां पे है ऑफ कोर्स 2, 3, 6, तो इसमें कुछ अलग नहीं होने वाला जब ये ग्रेटर देन 2 का. हाँ, बस यही हमें ध्यान रखना कि जब ये ग्रेटर देन 2 की बात हो रहा है तो हम लोग यहां से यहां तक की बात करेंगे. जब ये लेस देन 6 की बात कर रहा है तो हम लोग यहां से नीचे की तरफ की बात करेंगे. एंड देन थर्ड ये बात कर रहा है एक्स ग्रेटर देन 3 की, तो एक्स ग्रेटर देन 3 इज अगेन लाइक दिस. अब हम लोग तीनों का कॉमन पोर्शन चेक करेंगे एंड अगर हम तीनों का कॉमन पोर्शन चेक करते हैं ना तो वो यहां से स्टार्ट होगा. ये दिस पोर्शन इज द कॉमन पोर्शन फॉर ऑल दीज 3. तो ये पोर्शन जो है ये हमारे लिए तीनों का कॉमन पोर्शन होगा और ये तीनों इनइक्वालिटीज इस पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो दिस इज हाउ वी कैन सी कि हम लोगों के पास अगर 2, 3, 4 कैसी भी इनइक्वालिटीज दी गई हो हमें वो मैटर ही नहीं करता. हमें मैटर करता है कि हमें गिवन क्या है. ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे हम लोग. आप इसको नोट करें, फिर हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आ रहे हैं, दैट इज वेवी कर्व मेथड. कि वेवी कर्व मेथड क्या है, कैसे हम लोग एक से ज्यादा या दो से ज्यादा इनइक्वालिटीज की इंटरवेल को फाइंड आउट करते हैं. आप इसको एक बार नोट करें फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वेवी कर्व मेथड. सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए. सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x माइनस 1
into x minus 3 is greater than 0. ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, दो ही बातें हो सकती हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये तभी पॉसिबल है अगर x माइनस वन और x माइनस थ्री ये पॉजिटिव होंगे दोनों, या ये दोनों नेगेटिव होंगे, या तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आएगा प्रोडक्ट, या फिर अगर हमारे पास ये दोनों पार्ट लेस देन जीरो होंगे तो ये पार्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। हमने पीछे अभी देखा कि अगर दोनों सेम साइन के होंगे तभी प्रोडक्ट जीरो से बड़ा आएगा, और अगर दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे तो प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा, ये हम लोगों ने देखा। अगर हम लोग अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, हम लोग इस बात को क्या करते हैं, हम इनके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम थ्री के लिए क्या बात करेंगे, अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री जो है x माइनस थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि थ्री से ऊपर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी अगर हम वैल्यू थ्री से बड़ी लेंगे, और थ्री से छोटी कुछ भी लेते हैं, जैसे वन ले लेते हैं तो वन माइनस थ्री इज माइनस टू, टू ले लेंगे तो टू माइनस थ्री इज माइनस वन बन जाएगा, जीरो ले लेंगे तो जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी थ्री से नीचे कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और थ्री से ऊपर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगी, राइट। सिमिलरली हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग x माइनस वन को कंसिडर करें तो वन के लिए क्या है, वन के लिए दिस इज वन, अगर हम इसकी बात करें तो वन से नीचे कोई भी अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, वन से ऊपर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि अगर x माइनस वन में अगर मैं जीरो ले लेता हूं तो ये माइनस वन आ जाएगा, टू ले लूंगा तो ये टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, थ्री ले लूंगा तो थ्री माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, तो इस तरह से हमारी बात ये यहाँ पे चलती रहेगी। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग इस बात को ध्यान से देखें और अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, इकट्ठा कर दें इन दोनों को, तो क्या होगा, ये वन ये थ्री। अब देखें इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो थ्री वॉज एक्स माइनस थ्री वॉज ग्रेटर देन जीरो और यहां पे ये माइनस आ रहा है, वेयर एज एक्स माइनस वन की बात करें तो वन से नीचे ये नेगेटिव है, बाकी जगह पे ये पॉजिटिव आ रहा है। नाउ लुक एट द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली, जब मैं थ्री से ऊपर की बात कर रहा हूं तो x माइनस वन भी पॉजिटिव है, x माइनस थ्री भी पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट विल गिव अस पॉजिटिव वैल्यू। जब मैं x माइनस वन से नीचे की बात कर रहा हूं तो x माइनस वन भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और x माइनस थ्री भी नेगेटिव है, एंड क्योंकि ये दोनों चीजें नेगेटिव है तो दिस विल गिव अस द पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जब मैं इसको वन और थ्री के बीच में बेटा देख रहा हूं तो हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है, ये जो हमने इतनी बड़ी डिस्कशन की इसका मतलब यह है कि ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन ली इनइक्वालिटी की, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबव थ्री एंड व्हेन वी आर टॉकिंग लेस देन वन, बट बिटवीन वन एंड थ्री दिस विल गिव अस पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। मींस अगर हम लोग बात करें कि हम लोग एक्स की क्या वैल्यू लें कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन हमारी पॉजिटिव हो, तो हम यहां पे बात कर सकते हैं कि हम या तो वन से नीचे की बात कर सकते हैं या फिर हम थ्री से ऊपर की बात कर सकते हैं। यानी इस केस में या तो हमारे पास एक्स थ्री से बड़ा होना चाहिए या फिर एक्स वन से छोटा होना चाहिए, तभी यह बात बनती है। और अगर हम इसको वन या थ्री के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन
कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगी, ये लेस देन जीरो हो जाएगी। तो इसलिए वी कैन नॉट टेक एनी वैल्यू बिटवीन वन एंड थ्री। हम इस पर्टिकुलर केस में ये पोर्शन हमारे लिए डिस्कार्डेड है, इस पोर्शन को हम नहीं लेके चल सकते आगे। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो हम लोग थ्री वैल्यू थ्री से ऊपर का पार्ट लेके चल सकते हैं, या फिर हम इससे वन से नीचे का पार्ट लेके चल सकते हैं। ना तो वन से ऊपर का पार्ट, वन और थ्री के बीच का पार्ट हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। नो दिस सिचुएशन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, इसी को हम लोग कहते हैं वेवी कर्व। वेवी कर्व क्यों कहते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास है एक प्लस एक माइनस एक प्लस, ये ऑल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक साइन मिला प्लस का, एक साइन मिला माइनस का, फिर एक साइन मिला प्लस का। अब इस चीज को, इतनी बड़ी सिचुएशन को हम लोग एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या देखेंगे, लेट अस सी वंस अगेन। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों ने एक नंबर लाइन लिया। जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ दो फैक्टर्स की भी फिलहाल बात कर रहा हूं, जब हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर बना लिया, एक आ गया वन और एक आ गया थ्री। अब आपने हमेशा राइट हैंड साइड से इसको लेके चलना है, राइट हैंड साइड इज दिस अबव थ्री, तो ये ऑल्टरनेटली ये इसको तीन हिस्सों में बांट रहा है, अब तीन से ऊपर, वन और थ्री के बीच का हिस्सा, और वन से नीचे। तो आपने इसको हमेशा यहां से स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से प्लस, ऑल्टरनेटली माइनस और प्लस लेके चलना है, ठीक है। सिमिलरली अगर यही एक्सप्रेशन मेरे पास इस तरह की बजाय ऐसे होती, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, अगर ऐसे लिखा जाता तो हम क्या करते, हमारा पहला स्टेप यही होता, हम इसको नंबर लाइन बनाते एक रफ सी, और ये पॉसिबल वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते, वन टू और थ्री। अब हमारे पास क्या है, तीन फैक्टर्स हैं, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, जिन्होंने तीन डिफरेंट वैल्यूज दी। अगेन हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये जो प्लस साइंस हैं ये हमें बताते हैं कि कहां कहां पर ये एक्सप्रेशन जो है ये ग्रेटर देन जीरो रहेगी, और कहां कहां पर ये एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन जीरो रहेगी। कहने का मतलब x की कौन सी वैल्यूज ने कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और कौन सी वैल्यूज ने कि ये लेस देन जीरो रहेगा। तो हमें ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या हमें यूज करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे x को हम लोग लिखेंगे ऐसे, x belongs to, अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, लेस देन का साइन है, तो हम ओपन इंटरवेल्स की बात करेंगे। ओपन इंटरवेल्स में हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ओपन इंटरवेल्स में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो थ्री से ऊपर या वन और टू के बीच में, या तो हम इसको थ्री से ऊपर लेंगे या फिर वन और टू के बीच में लेंगे। तो ये हम लोगों को बताता है कि ये दो वैल्यूज जो हैं या ये दो इंटरवेल्स जो हैं यहाँ पर ये हमारी एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज देंगी। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके टू तक, यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये सिर्फ वन से लेके टू तक का पार्ट है, वेयर एज ये पार्ट जो जा रहा है ये कहां तक जा रहा है, इट इज गोइंग टिल इन्फिनिटी। तो इसलिए हम इसको इस तरह से मान के चलेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने भी फाइंड आउट की, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन ये बात तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने क्या किया, अगर टू इंटरवेल्स हैं तो ये इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और अगर थ्री इंटरवेल्स हैं तो ये इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये वेवी कर्व मेथड को हम लोग और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक और हम लोग समझते हैं, अगर सपोज मेरे पास अगर ये ऐसे हो, अब मैं इसमें दो नई चेंजेस ला रहा हूं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, मैं लेस देन इक्वल भी ला रहा हूं और जीरो भी ला रहा हूं। और अगर आप देखें तो मेरा एक
जो वो है जीरो जो है या एक फैक्टर जो है वो नेगेटिव है और एक फैक्टर पॉजिटिव है। जो माइनस वन है ये नंबर लाइन पे जब हम इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये प्लस वन रिप्रेजेंट होगा और ये जो प्लस टू है ये नंबर लाइन पे आके माइनस टू की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो अगेन हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और ये नंबर लाइन को इसने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वही राइट हैंड साइड से प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू है, यानी हमें नेगेटिव वाले पार्ट को देखना है क्योंकि लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन जीरो नेगेटिव होना चाहिए। तो लेस देन जीरो के लिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेफिनेटली माइनस टू और वन के बीच का पार्ट। लेकिन क्योंकि इक्वल टू है तो ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी, इंक्लूड राइट लाइक दिस, ये वैल्यूज इंक्लूड होंगी इसलिए मैं इसको फिल्ड अप सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमारा जो पोर्शन वैलिड पोर्शन होगा इस बार वो ये होगा, इन दोनों के बीच के पोर्शन को हम लोग लेंगे कि यार ये हमारे पास जो है मेन पोर्शन, दिस इज द पोर्शन विच वी रिक्वायर एक्चुअली, ठीक है। एंड इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि हेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू वन, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे राइट। अब हमारे पास बाकी सब चीजें जो मर्जी हैं जैसी मर्जी हैं, लेकिन ये जो x है ना ये x का कोफिशियंट हमेशा हमें पॉजिटिव चाहिए, हम x के कोफिशियंट को हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो हमारा क्या रूल रहेगा, हम लोग हमारा रूल रहेगा कि नंबर वन मेक कोफिशियंट ऑफ x एज पॉजिटिव, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। नंबर टू पुट ऑल फैक्टर्स इक्वल टू जीरो एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। This is step number two. Step three, put positive sign on extreme right and then alternately then alternately negative and positive, ठीक है। And fourth is mark the intervals corresponding to value of x, या हम इसको ऐसे बोलेंगे corresponding to inequality given। बस यही चार स्टेप्स आपको चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने यूज यही किया, ये वेवी कर्व मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यूज यही किया, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, दिस शुड नेवर बी नेगेटिव। सेकेंडली हम लोगों ने इसको जीरो पुट किया था तभी हम लोगों ने यहाँ पे वन टू एंड थ्री वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने माइनस टू और वन निकाली। सिमिलरली थर्ड हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया, फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट वी हैव रिटन इट एज पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। एंड फोर्थ मार्क द इंटरवेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इनइक्वालिटीज। तो देखें यहाँ पे हमारे पास लेस देन वाली इनइक्वालिटीज थी तो हमने माइनस वाली को मार्क किया, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी थी तो हमने प्लस को मार्क किया। सो दिस इज हाउ वी विल गो अहेड, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन एंड सो दैट द कंसेप्ट बिकम क्लियर टू यू।
अब सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से दिया गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया और हमें पता है कि इंटरवेल्स बताइए, व्हाट इंटरवेल्स आर देयर। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है और बहुत सारे लोगों को जो सिखाते हैं उनको भी देखा है, व्हाट दे जनरली डू, दे टेक दिस एक्स प्लस वन हियर एंड मल्टीप्लाइड विद जीरो विच इज नॉट डन। ये सबसे बड़ी गलती है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसको कभी भी हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इनइक्वालिटी है, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वालिटी, दिस इज एन इनइक्वालिटी, तो हम इसको नहीं कर सकते। देन व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई विल बी डूइंग, मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन दी गई है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, हमें ये नहीं पता कि एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, एक्स प्लस वन लेस देन जीरो है, वी आर नॉट नोइंग दिस थिंग। हम क्या करते हैं, हम इसको x प्लस वन के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार इसको x प्लस वन के साथ डिवाइड भी कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में x प्लस वन होल स्क्वायर आएगा, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुई और दूसरा ये जो मैंने डिनोमिनेटर में x प्लस वन होल स्क्वायर लिखा ना, ये हमेशा बोलता है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट राइट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन में ना ये चीज गिवन हो गई कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। चलिए अभी हम इसकी बात करेंगे, फर्दर इसकी भी बात करता हूँ। फिलहाल ये हमारे पास हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू जीरो होगा, बट हम कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ भी जीरो नहीं लेते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन एक रहेगी, वो हम लोग अभी बात करते हैं। लेकिन अब इससे हमारा न्यूमिरेटर क्या बन गया, इसमें न्यूमिरेटर में हमारे तीन फैक्टर्स बन गए, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू हो जाएगा, एंड प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को नंबर लाइन में चार पार्ट्स आ गए, देन राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, वाह ये हो गया। अब हमारे लिए फिजिबल रीजन क्या बनेगा, फिजिबल रीजन है या तो इस वन से ऊपर, यहां पे प्लस दिख रहा है, या फिर इस माइनस टू से माइनस वन के बीच में जहां पर ये प्लस का पार्ट है, तो ये हमारे लिए फिजिबल रीजन। या इससे ऊपर ये हमारे लिए फिजिबल रीजन है। नाउ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन, क्योंकि ये ग्रेटर देन का ही साइन है, इक्वेलिटी नहीं थी यहां पे, इसलिए माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन होता तो फिर हमने माइनस वन के लिए रिस्ट्रिक्शन लगानी थी, यूनियन वन टू इंफिनिटी। तो दिस विल बी द इंटरवेल्स जहां पे ये रिप्रेजेंट होगा। सर तो अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता, ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ऐसे लिखा जाता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन। लेकिन हम लोग ना, अगर ये नॉर्मल केस होता, ये एक्स प्लस वन नीचे नहीं आता, डिनोमिनेटर में ये बात नहीं होती, तो हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे माइनस वन के साइड पे भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते। लेकिन हम यहाँ पे माइनस वन नहीं लिख सकते, बिकॉज माइनस वन अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, और जीरो इस फंक्शन को नॉट डिफाइन बना देगा, इसलिए माइनस वन की तरफ पे ये तो ब्रैकेट रहेगा, यूनियन फिर वन की तरफ पे ये
स्क्वेयर ब्रैकेट आएगा, लेकिन इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए इसकी तरफ में ये हमेशा क्या रहेगा, कर्व ब्रैकेट ही रहेगी। तो इस केस में मैथ्स में ब्रैकेट रियली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। जब हम लोग सिर्फ ये ब्रैकेट यूज करते हैं ना और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, इसका मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं या इसको ऐसे लिखता हूं, तो इन दोनों केसेस में ये सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, आप कुछ भी बोल दीजिए, सेमी क्लोज बोलें या सेमी ओपन बोलें, इट्स वन एंड द सेम थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। हाँ, बात ये जरूर है कि इस बार थ्री इंक्लूड हो रहा है ऊपर वाली की तरफ, इसकी तरफ, और इसकी बार वन इंक्लूड हो रहा है। लेकिन और चौथी बात क्या है कि अगर ये ब्रैकेट इस तरह से है, दोनों साइड पे कर्व ब्रैकेट है, तो दिस इज ओपन इंटरवल। तो मैथमेटिक्स में हर एक ब्रैकेट का कोई ना कोई मतलब होता है, इसीलिए हमने उसको बड़े ध्यान से इस चीज का देखना है कि हमने इंटरवल के केस में कौन सा वाला ब्रैकेट लगाना है, कौन सा वाला ब्रैकेट छोड़ना है।